बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उर्दू की क्लास में खुश आमदीद कहते हैं। बेटा अपनी किताब का सफ़ा नंबर 80 खोलिए। आज हम लाम को वाओ से छोटी और बड़ी से मिलाकर आवाज़ सीखेंगे और उनसे अल्फाज की लिखाई और उनकी पढ़ाई करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लाम को जो बेटा वाओ से मिलाया जाएगा तो लाम के ऊपर से आधी शक्ल इस तरह से बनाई जाएगी और वाओ को बेटा साथ मिला देंगे। वाओ शरारती हरूफ है इसलिए पूरी शक्ल आएगी और लाइन से मिला देंगे। कभी भी लाम के साथ कोई भी हरूफ तहजी मिलाते हैं बेटा तो वाओ नीचे लाइन से नहीं आती, याद रखिएगा। लाम वाओ लो ओ की आवाज़ आएगी। पहले बेटा आपने इसके ऊपर जो किताब में दिया गया है पेंसिल फेरनी है और देखना है कि ये किस तरह से फॉर्मेशन दी गई है। फिर आपने लाम की बेटा ऊपर से आधी शक्ल बनानी है, वाओ को साथ मिला देना, वाओ की पूरी शक्ल आएगी क्योंकि वाओ शरारती हरूफ है। लाम वाओ लो। इसी तरह आपने यहाँ पर भी बेटा लाम को जब छोटे ये से मिलाते हैं तो ई की आवाज़ आती है और लाम की आधी शक्ल ऊपर से और छोटे ये इस तरह से साथ मिला देनी है। लाइन से मिला दिया, अब गोल करके ऊपर और ये इसके बराबर होगी। लाम छोटे ये ली। दोबारा देखें बेटा, लाम की आधी शक्ल लाइन से मिलाया, गोल करके नून की तरह ऊपर गए और ये इसके बराबर होगी। लाम छोटी ये ली। अब लाम बड़ी ये ले कैसे आएगा, या ये भी बेटा लाम की आधी शक्ल और बड़ी ये को साथ मिला देंगे और बड़ी ये बेटा आगे जाएगी। लाम बड़ी ये ले। लाम बड़ी ये ले। दोबारा देखें, लाम की आधी शक्ल गुलाई में यहाँ से होना चाहिए, गोल करके लाइन से मिला दिया बड़ी ये को, अब आगे जाएगी ये चीज़, इसकी थोड़ी सी बेटा बड़ी होगी। लाम बड़ी है ले। अब इसी तरह बेटा अल्फाज है, लामा लो टेलिफ्टा लोटा, लामा लो गफ साकिन लोग, लामा लो रे छोटिये री लो री। अब बेटा आपका जो घर का काम है वो ये है कि आप लोगों ने सफ़ा नंबर 80 पर जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक अपना घर का काम करना है और इमला याद करनी है, लोटा लोग लोरी, और इसी की कॉपी पे भी लिखाई करनी है। अल्लाह हाफिज़।